हम लोग जंगल में आकर रुके हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ रेत है। अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों, तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग जा रहे हैं दम्माम से डायरेक्ट रियाद। तो रास्ते में क्या क्या है और रास्ते का व्यू कैसा है, कितना टाइम लगता है, सारा चीज आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारे साथ पासा भाई है, इदरीस। इदरीस ब्लॉग चैनल है भाई का, तो वहाँ पे विजिट कीजिए क्योंकि वहाँ पे कुछ अलग देखने को मिलता है। और साथ में जा रहे हैं आज, तो सोचा हूँ कि साथ में वीडियो बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम लोग यहाँ पे रुके थे पेट्रोल पंप पे, नाश्ता उस्ता लिए हैं, सैंडविच, उसके बाद चल रहे हैं। चलिए till I get up, time is barely on our side। हम लोग जंगल में आकर रुके हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ रेत है, कोई भी इंसान नहीं है। यहाँ पे सिर्फ रोड है और रोड पे गाड़ी चलती है। और हम लोग दम्माम से निकल चुके हैं, काफी दूर आ चुके हैं और हर तरफ रेत ही रेत है। और इसी गाड़ी से हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग दुआ कीजिए सफर आसान हो जाए और आसानी से हम लोग रियाद पहुँच जाए। तो ये पूरा रेत रेत है और यहाँ पे रुकना बहुत मुश्किल लग रहा है। Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah, no, I don't wanna waste what's left, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays। यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे नमाज अदा करने के लिए। ये आप पीछे देख सकते हैं, ये मस्जिद है। और सऊदी अरब में हर पेट्रोल पंप पे मस्जिद आपको मिलेगा, हमाम, टॉयलेट, ये सब बहुत आसानी से यहाँ पे अच्छा रहता है, बनाया जाता है। और यहाँ पे आप नमाज अदा कीजिए और फिर से अरब कंट्री में, सबके सब अरब कंट्री में ही ज्यादातर आए हैं। Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah, no, I don't wanna waste what's left, and on we'll go. खा रहे हैं बिरयानी। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं हम रियाद पहुंच चुके हैं। और यहाँ का जो नज़ारा है आप लोग देख सकते हैं, ये रियाद कौन सा जगह है पता नहीं, लेकिन अभी अभी नए जगह पे आए हैं। पहले वो बथा के नज़दीक में थे, अभी यहाँ है बथा बिल्कुल नज़दीक में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग नज़र आ रहा है, यहीं पे बथा है और बथा मार्केट वहीं पे लगता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर है वो वाला बिल्डिंग, तो उससे थोड़ा हटके हैं। और यहाँ इधर देख सकते हैं क्या है। दम्माम से रियाद आने में 3.5 घंटा लगे हैं और हम लोग बिल्कुल पहुँच चुके हैं सही सलामत। आप लोगों का दुआ रहा, हम लोग पहुँच चुके हैं और उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको रियाद का सिटी दिखाना चाहूँगा, ये सिटी नहीं है, बस्ती है। सबके सब अजनबी ज़्यादातर इधर रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का घर है, इस तरह का मोहल्ला है। और छत पे देख सकते हैं सबके सब छत पे टंकी लगाया गया है। और इधर देखेंगे तो उधर बथा मार्केट है,
सब के सब यहाँ पे आते हैं कमाने के लिए, और यहाँ पे एक रूम में 7 आदमी 8 आदमी 5 आदमी रहकर ज़िंदगी गुजारते हैं। तो बहुत मुश्किल है, जितना आसान है सऊदी अरब उतना ही मुश्किल है यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना। यहाँ पे सुकून नहीं है,